चलेगी। चाहता हूं कि जो इन्होंने ऑक्शन पॉलिसी निकाली है वो लास्ट के जो 15 मिनट जो इन्होंने ओपन किए हुए हैं वो किस चीज के लिए खोल किए हुए हैं? क्या वो बाहर के यूपी वाले, बाहर के पंजाबी वो आके यहाँ पे बिडिंग करें, वो सारे ठेके ले जाए, वो ये सारे ठेके ले जाए? हम अब गवर्नमेंट से पूछना चाहते हैं, जब हम बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से जब रेवेन्यू दे रहे थे तो क्यों इन्होंने रातों रात ये पॉलिसी निकाली और हमारी ऑप्शन कर दी है? मैं पूछना चाहता हूँ गवर्नमेंट से, हमें शर्म आ रही है ये कि हम बीजेपी को हमने वोट दिया। आज अगर डॉक्टर साहब अगर हमारा साथ दे रहे हैं तो हमें ये सुनने को मिल रहा है कि एलजी नहीं मान रहा। क्यों नहीं मान रहा? इसका मतलब इसने बाहर के लोगों के साथ डील की हुई है, इसे बाहर के लोगों से पैसा खाया हुआ है, तभी ये लोग आ रहे हैं। ये मैच फिक्स हो चुका हुआ है, इधर सारा ब्यूरोक्रेट देना बिक चुका हुआ है, अपनी मनमानी करी जा रहे हैं, फेस टू फेस बिल्कुल बात नहीं की जा रही इनसे, पॉलिसी नहीं डिस्कस कर पा रहे हमारे साथ, ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अगर इतना दम है तो हमारे सामने आके बात करें। जब हम जाते हैं, हम वहां पे सुनते हैं, लोगों से पूछा जाता है कि भाई ये ऑक्शन का कैसा सिस्टम है, तो लोग पूछ रहे हैं, आम जनता पूछ रही है एक्साइज कमिश्नर से कि जो ये पॉलिसी है हमें समझाइए, वो कहते हैं जी जो है इसी पॉलिसी में है, हमें कुछ नहीं पता। आप गवर्नमेंट से पूछिए, कौन है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट भी तो बीजेपी की है, एलजी भी तो बीजेपी का है, तो ये क्यों नहीं बात मान रहा? ये हमारी रोजी रोटी क्यों छीन रहा है? हमारे को इंसाफ चाहिए, हम सारे यहाँ पे भाई लोग जो खड़े, हमें इंसाफ चाहिए। देखिए धरना तो करते हैं, हमारे बच्चों को एक महीना हो गया है, लेकिन एलजी के कानों में जू नहीं रेंग रहे। क्या चाहते हैं एलजी? क्या वो चाहते हैं कि जहां बच्चे कुछ फिदा हो वो बच्चों को हानि पहुंचे? अगर यही चाहते हैं तो ठीक है, हम कल एक दो खुद ही पहले माएं आ जाती हैं, अपने आप को मिट्टी का तेल फूंक के तो इनको बता देते हैं कि हमारे बच्चे क्या हैं, लेकिन बच्चों से पहले हम आएंगे आगे, हमारी माएं आएंगी, हमारी औरतें आएंगी, हमारे बच्चे आएंगे। इनको बिल्कुल, ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी भी इनको कह के गए हैं कि ये पॉलिसी नहीं है, गुंडागर्दी है, लेकिन ये किसी की बात नहीं सुन रहे। और मैंने तो कल भी यही कहा था कि ये करोड़ों में बिक चुके हैं, पूरा ब्यूरोक्रेट जो है वो सारे का सारा जो है वो करोड़ों रुपए के चंद लोगों के हाथों, चंद लोगों के हाथों, जम्मू के लोग नहीं, खासकर जम्मू की, यहाँ भगवान कृष्ण तो बाद में आएंगे, यहाँ तो भावे वाली बैठी है। इनके क्या हालत होगी, इनके बच्चों की क्या हालत होगी, जो आज मेरे बच्चे रो रहे हैं। मैं कल की बात बताऊं, मेरे पति को कल 6 साल के उनकी तिथि थी, हमारी ये हालत है कि हम अपने पति की तिथि भूल गए, मेरा बच्चा पति की तिथि भूल गया। रात को 1 बजे आके मैं जब देखा उठ के, तो बच्चा बाप की फोटो के आगे रो रहा है कि पापा मुझे माफ कर दो कि मैंने आपके आज श्रद्धांजलि नहीं दी। ये हालत कर दिया इसने हमारी, इतनी गुंडागर्दी, इतनी दहशत फैला दी है इसने। क्या चाहता है ये? मैं सिर्फ ये पूछ रही थी क्या चाहता है, लेकिन एक चेतावनी फिर दूंगी आज, अगर एक बच्चा, जितने बच्चे हैं, अगर एक भी बच्चे को किसी को हानि हुई, किसी के बच्चे की जान गई, तो एलजी तो घसीट के, यहाँ से घसीट के मैं लाऊंगी। मैं आज ये चेतावनी देती हूँ, मैं चेतावनी देती हूँ, यहाँ से घसीटूंगी इसको, मेरे किसी भी बच्चे की, जितना बच्चा है, किसी की भी हानि हो। इन लोगों ने गुंडागर्दी, दहशत फैला दी हमारे जम्मू में। ये बिहारी, इसको उठाओ और यहाँ बिहार भेजो इसको। ये क्या बदले लेने आए हैं कि हमारे बिहारी इधर लोगों से 5 रुपए दिहाड़ी लेते थे, इसलिए मैं इनको डाउन करूँ, इनको अपने बिहारियों के यहाँ पे लाऊं? इसको वहां से कुछ नहीं मिला, जम्मू आके दहशत फैला दी इसने। इसको समझना चाहिए, लोगों की भावनाएं समझनी चाहिए, क्यों आग लगा रहा है जम्मू में। मैं तो आदरणीय मोदी साहब जी से यही प्रार्थना करूंगी, और अपने होम मिनिस्टर जी से, जो कि हमारे एक कर्ता धर्ता है, हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करूंगी, भाई साहब जम्मू बचा लीजिए, जम्मू बचा लीजिए, बीजेपी बचा लीजिए। मुझे रोना आता है, मेरी किताब गाड़ी में रह गई, मेरे माता पिता ने खून दिया हुआ है भाजपा को बचाने के लिए, मैं खून दे रही हूँ, 60 साल की हो गई हूँ, मैं पूरा काम करती हूँ बीजेपी का, ग्राउंड लेवल पे काम करती हूँ, कभी ऊंचा ओहदा नहीं लिया, ना कभी सोचा, लेकिन इन लोगों ने
ये जो मोदी विरोधी हमारा एलजी आया है, इसने हमारी पार्टी की तबाही कर दी है, विनाश कर दिया है। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये चाहता है सबका विनाश सारा और इसका विकास, सबका विनाश और इसका विकास। क्या करेगा, कितने नोट खाएगा ये एलजी, कितने नोट खाएगा जो इनके मैते शहते हैं। अरे सोचो, हराम की किसी को नहीं बचती, ये मैंने प्रत्यक्ष प्रमाण हाथों में सरासर जगती हुई देखी है, किसी को भी हराम की नहीं बचती। आज नहीं तो कल, आज हमारे बच्चे रो रहे हैं, कल इनके बच्चे पड़पोते पड़पोतियां तक रोएंगे।